बच्चों कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पाठ 9 आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे। पाठ के अंत में आप लोग आंकड़ों, चित्रालेखों, दंड आलेख के बारे में विस्तार से जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं आंकड़े क्या होते हैं? आप में से अधिकतर लोग आंकड़ों से परिचित हैं। तो आइए हम सबसे पहले आंकड़ों की परिभाषा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। उसके बाद हम आंकड़ों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएँ देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आइए बच्चों अब हम आंकड़ों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए तो अवश्य ही देखा होगा। ऐसे ही आपने क्रिकेट के एक स्कोर बोर्ड को भी ज़रूर देखा होगा। ऐसे दो दो स्कोरबोर्ड यहाँ दिखाए जा रहे हैं। एक स्कोरबोर्ड के आंकड़े केवल यह नहीं बताते कि कौन जीता या कौन हारा, अपितु अन्य कई सूचनाएं भी आपको देते हैं, जैसे किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, किसने कितने विकेट लिए आदि। बच्चों देखा आपने कैसे आंकड़े हमें उपयोगी सूचना सरल तरीके से प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे कि आंकड़ों को कैसे अलग अलग तरीकों से एकत्रित किया जा सकता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं जिसमें किसी कक्षा के विद्यार्थी सैर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक ने विद्यार्थियों से 4 फलों, केला, सेब, संतरा या अमरूद में से एक फल चुनने को कहा। उमा ने सभी बच्चों की एक सूची बनाई और सबके नाम के सामने उसकी पसंद का फल लिख दिया। यह सूची बच्चों की पसंद के अनुसार उन्हें फल देने में शिक्षक की सहायता करेगी। लेकिन अगर शिक्षक को यह पता लगाना है कि कौन से फल की कितनी आवश्यकता होगी तो उन्हें सूची में दिए गए सभी नामों को एक एक करके पढ़कर सभी फलों की संख्या अलग अलग ज्ञात करनी होगी। इसलिए उमा ने एक एक करके केवल फलों के नाम कुछ ऐसे लिख दिए, केला, सेब, अमरूद, संतरा, सेब, केला, संतरा, अमरूद, केला, केला, सेब, केला, सेब, केला, संतरा, अमरूद, सेब, केला, अमरूद, केला। परंतु इससे भी शिक्षक का काम सरल नहीं होगा, अब भी उसे पहले की तरह फलों को एक एक करके गिनना पड़ेगा। सलमा के मस्तिष्क में आंकड़ा प्रबंधन का एक नया विचार आता है। वह फर्श पर चारों फलों के लिए 4 वर्ग बना देती है। फिर वह बच्चों से कहती है कि वह अपने पसंद के फल वाले वर्ग में एक कंकड़ रखते हैं। इस प्रकार सलमा तुरंत कंकड़ गिनकर बता सकती है कि प्रत्येक प्रकार के फलों की कितनी आवश्यकता है। रोनाल्ड सूचना को पेन और कागज़ की मदद से एकत्रित कर सकता है। उसे इसके लिए ना कंकड़ों की ज़रूरत है और ना ही कोई वर्ग बनाकर बच्चों से उसमें कंकड़ रखवाने की। वह प्रत्येक फल का नाम एक सूची में लिखता है और जितने बच्चों ने जिस फल को चुना उसके आगे उतने ही चिन्ह लगा देता है। वह निम्न सारणी तैयार करता है। आइए बच्चों अब आंकड़ों के संगठन एवं प्रबंधन का एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, दोपहर के भोजन योजना के लिए एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के भोजन की रुचि जानना चाहता है। शिक्षक इस सूचना को एकत्रित करने का कार्य मारिया को देता है। मारिया इसे कागज़ और एक पेन लेकर आती है। वह भोजन की रुचियों को एक स्तंभ में लिखकर प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि के लिए उस रुचि के सामने खड़ी लकीर अंकित करती है। मारिया की सारणी को देखकर उमेश ने विद्यार्थियों को गिनने की एक बेहतर विधि का सुझाव दिया।
उसने मारिया से चिन्हों को 10-10 के समूह में निम्न प्रकार से व्यवस्थित करने को कहा। राजन ने इसे और अधिक सरल बनाने के लिए उससे कहा कि वह 10-10 के समूह के स्थान पर 5-5 के समूह बनाए। फिर शिक्षक ने सुझाव दिया कि 5-5 के प्रत्येक समूह में पांचवें चिन्ह को एक तिरछी रेखा के रूप में दर्शाया जाए। ऐसे चिन्हों को मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क्स कहा जाता है। उदाहरण 2, एकता से उसकी कक्षा के विद्यार्थियों के जूतों के माप के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहा गया। उसने नीचे दर्शाए दृश्य के अनुसार अपने आंकड़े लिखे। अब जावेद निम्नलिखित सूचना जानना चाहता है। पहली, अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप, और 2, न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। इसके लिए एकता ने मिलान चिन्हों का इस्तेमाल करके एक सारणी तैयार की। बच्चों, अब हम चित्रालेख के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चित्रालेख की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद हम चित्रालेख को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। इसके अलावा देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। आइए बच्चों, अब चित्रालेख को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक अलमारी में 5 खाने हैं। प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप से रखी गई हैं। इसे देखकर आप बता सकते हैं कि किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है या किस पंक्ति में सबसे कम है। उदाहरण, पिछले सप्ताह में 30 विद्यार्थियों वाली एक विशिष्ट कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। तो बच्चों, दिए गए चित्रालेख को ध्यान से देखिए तथा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे? 2, किस दिन उपस्थिति पूर्ण रही? और 3, इस सप्ताह में कुल अनुपस्थिति कितनी रही? बच्चों, अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। 1, सबसे अधिक विद्यार्थी शनिवार को अनुपस्थित रहे। 2, बृहस्पतिवार की पंक्ति में कोई चित्र नहीं है, इसका अर्थ है कि इस दिन कोई विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं था, उस दिन कक्षा में पूर्ण उपस्थिति रही। और 3, कुल मिलाकर यहाँ 20 चित्र हैं, इसलिए सप्ताह में कुल अनुपस्थिति 20 रही। उदाहरण, किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जाने वाले फूलों के रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। तो बच्चों, दिए गए चित्रालेख को ध्यान से देखिए तथा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2, कितने व्यक्ति लाल रंग पसंद करते हैं? बच्चों, अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। 1, नीला रंग पसंद करने वाले 50 व्यक्ति हैं। यहाँ एक फूल चित्र मतलब 10 व्यक्ति, इसलिए ऐसे 5 चित्र 5×10 व्यक्ति दर्शाते हैं। 2, लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 55 है। 5 पूरे चित्रों के लिए हमें 5×10 यानी 50 व्यक्ति गिनने हैं। अंतिम अधूरे चित्र के लिए हम इसे अनुमानित रूप से 5 व्यक्ति मान सकते हैं। उदाहरण, किसी स्कूल के एक सर्वेक्षण द्वारा यह पता लगाया गया
कि प्रतिदिन स्कूल आने के लिए विद्यार्थी यातायात के किस साधन का प्रयोग करते हैं। कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों से साक्षात्कार किया गया और प्राप्त आंकड़ों को एक चित्रालेख के रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया। इस चित्रालेख से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निजी कार से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। अधिकतम विद्यार्थी स्कूल बस से स्कूल आते हैं। साइकिल का प्रयोग केवल 3 विद्यार्थी ही करते हैं। बच्चों, चित्रालेखों को खींचना बहुत रोचक है, परंतु कभी कभी कोई संकेत इकाइयों के गुणज के रूप में भी प्रयोग हो सकते हैं तथा इसे खींचने में कठिनाई भी हो सकती है। इनके स्थान पर हम सरल संकेतों का उपयोग कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा कार्य आसान हो जाएगा। आइए एक उदाहरण लेते हैं। किसी सप्ताह में एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नलिखित है। इसे एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए। पहले हमने जो उदाहरण देखा, वैसे चित्रों को तोड़ना सदैव संभव नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में हम क्या करें? इसके लिए आइए हम एक और उदाहरण का अध्ययन करें। उदाहरण, किसी वर्ष के प्रथम 4 महीनों में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित है। उपरोक्त को एक चित्रलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यहाँ जनवरी और मार्च के लिए चित्र बनाना कठिन है, परंतु 26 और 34 को चित्र द्वारा निरूपित करना सरल नहीं। हम निकटतम 5 तक 26 को 25 और 34 को 35 ले सकते हैं। फिर हम फरवरी के लिए 2.5 बल्ब और अप्रैल के लिए 3.5 बल्ब दर्शा सकते हैं। बच्चों, आंकड़ों को दंड आरेख या दंड आलेख द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। एक समान चौड़ाई के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जा सकते हैं, जिनके बीच समान दूरी रखी जाती है। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या को निरूपित करती है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण, किसी चौराहे की प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे में उस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या नीचे दिए दंड आरेख में दर्शाई गई है। इस इकाई को सांकेतिक रूप से एक खाने से निरूपित किया गया है। पैमाना है एक इकाई मात्रक लंबाई 100 वाहन के बराबर, अर्थात एक इकाई लंबाई का मतलब है 100 वाहन। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कौन सा घंटा सबसे अधिक व्यस्त रहा। यदि आंकड़ों की संख्याएं बड़ी हों, तो हमें एक अलग पैमाने की जरूरत पड़ेगी। आइए अब एक उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित दंड आरेख को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, इस आलेख का पैमाना क्या है? 2, प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं? बच्चों, अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। 1, पैमाना है एक इकाई लंबाई मतलब 10 विद्यार्थी। 2, प्रत्येक वर्ष विद्यालय में 10 नए विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि दंड आरेख को कैसे खींचा जाता है। सबसे पहले एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। एक वस्तु क्षैतिज रेखा पर और एक वस्तु ऊर्ध्वाधर रेखा पर निरूपित कीजिए। अब एक पैमाना चुनिए और संख्याओं को आरेख पर निरूपित कीजिए। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। अब इन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न 1,
आंकड़ों को पिक्टोग्राफ अथवा चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न दो, दंड आलेख बनाइए। बच्चों, ये रहे प्रश्नों के उत्तर। उत्तर एक में पिक्टोग्राफ और उत्तर दो में दंड आलेख। ये था आज का पाठ, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त हुई। कल मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।